लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, गांव खिदराबाद पहुंचे हैं और जैसे ही सूचना मिली है कि कुछ पशु जो है लगातार किसी बाड़े में काफ़ी दिनों से मर रहे हैं, किस प्रकार की ये बीमारी है, कहीं ना कहीं डॉक्टरों की टीम भी जो मौके पर मौजूद है उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा क्योंकि पशुओं की जो बीमारियाँ हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स की टीम है या पशुओं के जो डॉक्टर हैं वो इसकी ओर जो है ध्यान नहीं दे रहे। पीछे भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं कि जो लोन है, जो पशुओं के नाम से लोन होता है वो समय पर नहीं हो पाता। जो मालिक हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये बीमारियां फैली हैं, कितने पशु जो है उनके मरे हैं। छत्रपाल हैं, छत्रपाल का सफ़ेद टी शर्ट वाले हैं, काले वाले, तो जो है उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये बीमारियाँ लगातार जो बढ़ रही हैं। पशु यहाँ इस समय मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 2 से 3 जो है पशु हैं वो मरे हुए हैं और कुछ पशुओं को ग्लूकोज भी चढ़ाई जा रही है। जीभ जो है पशु की वो बाहर निकल जाती है, खुर है वो जो है काम नहीं करते, पशु से चला नहीं जाता, खाने की जो है गुंजाइश पशु की ख़त्म हो जाती है और कमजोरी के कारण जो है पशु ख़त्म हो जाता है। तो निर्भय डॉक्टर की जो है टीम वो मौके पर जो है। निर्भय जी, कब से कितने पशु जो है आपके मर चुके हैं और क्या क्या बीमारी थी, डॉक्टर से संपर्क किया, टेस्ट करवाया, उसका पूरा बताएंगे। मेरा नाम छत्रपाल सिंह सनब जरनैल सिंह, विलेज खिदराबाद जी। हमारे 6-7 दिन पहले हमारे यहाँ पर FMD आई थी जी, एक पशु को जी, जो 7 दिन हुआ ब्याह को, HF गाय थी हमारी। उसको हमने डॉक्टर साहब को दिखाया जी, पहले हमारे जो से प्राइवेट डॉक्टर आते हैं उनको दिखाया, वो कहने लगे FMD है जी। FMD का हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जी। उसके बाद इनको कोई एक को हुआ, दो को हुआ, तीन को हुआ, 7 एनिमल हमारे मर चुके हैं जी, ठीक है। जो कि कोई भी एनिमल हमारा 1.5 से 2 लाख के कम नहीं था, ठीक है। नई डेयरी हमने जनवरी में स्टार्ट करी थी, डेयरी फार्मिंग, पूरा डेयरी फार्मिंग, हाँ डेयरी फार्म हमारा दूसरी साइड में, ये इन्फेक्टेड एनिमल हमने अलग रख रखे हैं, ठीक है। उधर अभी और नया को भी हुआ है, कुछ एनिमल हैं 3 से 4 हैं जो जिनको हुआ है अभी। तो उसके बाद ट्रीटमेंट चल रहा था हमारा, तो 7 एनिमल हमारे मर चुके हैं इस टाइम जी, ठीक है जी। तो डॉक्टर से बात हुई होगी, डॉक्टरों ने क्या कहा, किस तरीके से? डॉक्टर साहब आए थे, फ्राइडे को आए थे हमारे डॉक्टर संजय कटारिया जी, हैं VS हैं यहाँ पर जी। उसके बाद आज इन्होंने दोबारा विजिट किया जी, ठीक है। इंश्योरेंस होता है वो, ठीक है जी। मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट भी की, पर उन्होंने मतलब कहने लगे हमारा बजट खत्म हो चुका है। लगातार देखिए सरकार कहीं ना कहीं दावे करती है कि पशुओं के जो इंश्योरेंस करवाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन पीछे भी एक चोचड़ा में जो है कुछ पशु मर गए थे और दावा किया गया था कि वहाँ सभी गांव जो पशु हैं उनके जो है इंश्योरेंस कर दिए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप जाते हैं तो बजट जो है सरकार का वो हमेशा जो है ख़त्म मिलता है। 7 से 8 पशु हैं, एक पशु की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई जवाब सरकारी अफसरों के पास नहीं। लाइव तस्वीरें, ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर भी कीजिएगा। इस तरफ दिखाना चाहूँगा एक गाय और दूसरी तरफ दूसरी गायें, 7 से 8 गायें जो है मर चुके हैं। डेयरी फार्मिंग का ये काम कर रहे थे, डॉक्टर्स की टीम आई है, उनसे संपर्क करेंगे कि लगातार कौन सी बीमारी है, किस तरीके से बीमारी फैलती है, कितना इफेक्टेड जो रहता है। और ये जी, हाँ एसडीओ साहब बताएं कौन सी बीमारी है, किस तरीके से पशु है, जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद बताएं। यही जवाब आपने चोचड़ा में दिया था, जांच कर रहे हैं, जांच करेंगे। नहीं, चोचड़ा में मैंने आपसे उस टाइम भी मैंने आपसे पूछा सर इंश्योरेंस की है, आपने दावा किया था सभी बोला था कि मार्च के बाद इंश्योरेंस नहीं आए, वो आज भी वही है कि मार्च के बाद अभी तक इंश्योरेंस के आदेश नहीं आए। बीमारी कौन सी है? बीमारी तो देख के बताएंगे, चेक करके टेस्ट कर रहे हैं, देखो आपके सामने कोई रिपोर्ट आई है टेस्टिंग की, वो टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट करके उसके बाद बताएंगे। कुछ तो अंदाजा होगा कौन सी बीमारी है ताकि दूसरे को पता लगे, दूसरे लोग जो सेफ हो सके। ऐसा है यहाँ पे जो जैसे FMD बता रहे हैं, ये कि FMD है उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन FMD और HSK जो है कम्बाइंड ड्यूअल वैक्सीन साल में 2 बार लगाई जाती है, फरवरी मार्च में भी लगी है और उसके अलावा अभी फिर आने वाली है, दोबारा फिर लगाते हैं, जिसकी कि इम्यूनिटी साल की है, लेकिन साल में फिर भी 2 बार रिपीट करते हैं। इनके 7 से 8 पर टू डोर जाके लगाई जाती है, सभी को लगाई जाती है। अब इन्होंने अपने लेवल पे प्राइवेट कोई ला के लगाई हुई है, अब उसके बारे में भी जांच करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो आगे देख ही रहे, क्या डॉक्टर साहब आने के बाद इसमें कुछ मुआवजा दिया जाएगा? मुआवजा का देखो हमारा कोई, हम तो ट्रीटमेंट संबंधित हैं, हमारा मुआवजे से एडमिनिस्ट्रेशन ही देखती है मुआवजे के बारे में, तो हमारा कोई इससे वो मुआवजे के बारे में। छत्रपाल जी, डेयरी फार्मिंग आप लोग करते हैं, लाखों रुपए के पशु होते हैं, तो यदि बात करें स्टार्टिंग से ही
तो कहीं ना कहीं जब डेयरी फार्मिंग खुलती है, लोन किया जाता है, उसमें सबसे पहले चेक किया जाता होगा कि पशु को जो है प्रोटेक्टेड किया गया कि नहीं। सर डेयरी लोन के लिए मैं पीछे जनवरी में मैंने अप्लाई किया था जी, वो मेरे पास पड़ा हुआ है जी। SDO तब पानीपत से थे कोई, वो मैं वहाँ से साइन वगैरह करवा के लाया था और उन्होंने मेरे को बैंकों में गया, बैंक कह रहे हैं भी हमारे कोई पॉलिसी नहीं है जी, ये तो एक पॉलिसी कागजों में है जी, लोन कोई नहीं मिला जी हमारे को किसी तरह का कोई। हमारा डेयरी फार्म बहुत बड़ा है, हाईटेक डेयरी फार्म है जी। अच्छा, लोन नहीं मिला, कोई लोन नहीं मिला। ये तो हमारा मतलब कैश लगा हुआ है इसमें जी, सारा खुद का कैश लगा हुआ है सारा। कहीं ना कहीं पशुओं को जो है 30-40 लाख रुपया हमारा खुद का लगा हुआ है जी। ठीक है जी, पूरा हाईटेक जो मतलब की वर्ल्ड की गाइडलाइन है उसके हिसाब से फार्म बना रखा है हमने। उधर दूसरी तरफ है फार्म, उधर हम जाने नहीं देते किसी को। 10-12 लाख रुपए के आपके पशु भी जो है मर चुके हैं। हाँ जी, माँ डॉक्टर मान के पास हम गए थे मतलब की इंश्योरेंस के लिए जी जनवरी में, और उन्होंने पहले तो मेरे को तो कहा बजट खत्म हो चुका है जी। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट भी की मैं कुछ ना कुछ तो होगा जी, तो मेरे से तो कहा नहीं, किसी और को कहने लगे कि हम इसका एक्स्ट्रा चार्जेस होता है जी, टीम जाती है उसके अभी तो खर्चा लगता है जी। ठीक है, मैंने किसी और आदमी को भेजा, मेरे को कहने लगे भी ये बजट खत्म हो चुका है। मैं भी जो उनसे इतने कीमती डंगर हैं गवर्नमेंट देती है, तो आप हमारे को देने से इंकार क्यों कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, पर मेरी कोई मतलब किसी तरह की उन्होंने बात नहीं सुनी। ये नहीं भी अब हमारा नुकसान हो गया। FMD कह रहे हैं, कौन सी बीमारी होती है? FM माउथ एंड फुट डिजीज है जी, डिजीज है। इसमें मुंह पक जाता है, पैर पक जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका इन्फेक्ट होता है जी इसमें। और पशु अभी ठीक है या उनका भी खतरा है जी? 3-4 पशु जो से फार्म में है जिनको कम है अभी, वो उधर है जी फार्म में, उधर हमने एंट्री बंद कर। हाँ जी, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है जी। देखिए, पशुओं का ट्रीटमेंट जरूर चल रहा है, लेकिन कम से कम 10-12 लाख रुपए के जो पशु है वो मर चुके हैं। और वही फिर आपको कहेंगे कि पशु के जब इंश्योरेंस की बात आती है तो किसान के लिए जो है वो बजट जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। सिफारिश यदि आप करवाते हैं उस तरीके से जो है आपके बजट पास हो जाते हैं, लेकिन एक आम किसान जो अपने ही पैसे से लगातार कितने वर्षों से सर आपकी डायरी? सर हमने जनवरी में ये हमने स्टार्ट किया था, लगभग सितंबर में 2020 में जी। पहले हमारा पोल्ट्री का काम था, वो कोरोना में ज़्यादा ग्रसित हुआ, उस करके हमने उसको बंद करके फिर डेयरी में आ गए। टोटल कितनी गायें थी अभी? अभी हमारे पास 25 एनिमल हैं जी, छोटे बड़े, जो कि अब हमारा हमने पैकिंग का काम स्टार्ट करना था जी, तो वो सर हाँ जी मिल्क पैकिंग का काम स्टार्ट करना था, वो भी सब फेल हो गया जी। आगे नुकसान काफ़ी हो गया जी, आगे जानवर भी चले गए, दूध भी नहीं रहा तो क्या करेंगे क्या जी। वैसे आर्थिक तौर पर भी बहुत मतलब नुकसान हो गया जी, क्योंकि हमने पैसे लगा रखे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहीं ना कहीं पैसा इधर से उधर उठा करके 30-40 लाख रुपया जो है अपने लेवल पर जो है पशु डायरी के लिए लगाया है, और लोगों को जो है दूध अच्छा मिल सके लोकल स्तर पर, उसकी कोशिश की गई थी। लेकिन सरकार के द्वारा ना इंश्योरेंस किए गए हैं और ना ही किसी प्रकार का लोन यहाँ हुआ है। तो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, किसान के लिए लगातार प्रकृति की मार की बात करें, सरकार की मार की बात करें, वो लगातार यहाँ हो रही है। और अपने स्तर पर यदि उन्होंने अपना काम किया है, किसी भी प्रकार की जो प्रोटेक्शन कहें, लोन कहें, और बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ हैं या फिर जो लोन है वो यहाँ नहीं मिल पाए, क्या सरकार से आपकी गुहार रहेगी, क्या आप सरकार से चाहेंगे, क्या मिलना चाहिए? सरकार से ये है जी, जो हमारा मान लो नुकसान हुआ है जी, जो बीमे के तहत मिलता है हमारे को मिलना चाहिए। ठीक है जी, और आगे के लिए हाँ जी, इसी स्तर से काम चलता रहे। हाँ जी, इसी स्तर से हमारा मतलब कि हमारे को पैसा आएगा तो दोबारा काम स्टार्ट करने के लायक हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार कहती है युवा अपना मेक इन इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब मेक इन इंडिया तो तभी होगा जी अगर गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी, युवा नहीं तो देश छोड़ के बाहर ही जाएगा और क्या करेगा जी। बताना चाहूँगा, मुँह की और जो है पाँव की बीमारियाँ इन पशुओं को हैं, देख सकते हैं मेरे सामने जीभ बाहर निकली हुई है, फोलक पड़ जाते हैं, खाने की जो है गुंजाइश ख़त्म हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है कमज़ोर होकर के पशु मर जाता है। लाइव तस्वीरें, ऐसा ना हो कि ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैले, इसको रोकने की कोशिश करें, डॉक्टरों से जो है संपर्क करें, जिनके पास गायें या भैंसे हैं डॉक्टर की सलाह जो है समय समय पर लेते रहें, और अपने पशु का बीमा आप जरूर कराएँ, ताकि किसी प्रकार का जो भविष्य में यदि आपको कोई नुकसान हो तो आपके पैसे सेफ हो, ताकि आप दोबारा फिर पशु ला सकें। ये तस्वीरें देख सकते हैं, गांव खिदराबाद की ये तस्वीरें हैं, छत्रपाल एक किसान है, 30-40 लाख रुपए लगा करके अपना जो डायरी शुरू की थी कि
ये जो डायरी है लोगों को लोकल तौर पर जो अच्छा दूध यहाँ उनको मिल सके, लेकिन सरकार द्वारा बहुत कम जो है सहायता इन लोगों की है। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा ताकि किसी और किसान के साथ ऐसा ना हो, और ध्यान भी रखिएगा अपने पशुओं का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा इधर आना, ये ग्लूकोज चढ़ाई अभी तो क्या कहा डॉक्टर साहब ने, कितनी ग्लूकोज लगेंगी? दो ग्लूकोज लगेंगे जी। अच्छा, हाँ जी। कुछ आराम लगा इसको ग्लूकोज लगने के बाद? लगा कोई आराम थोड़ा बड़ा। हाँ ठीक है जी, तो ठीक है। हाँ तो देखिए, कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट जो है लगातार यहाँ शुरू किया जा रहा है कि जो जीभ है वो बाहर लटक जाती है और फुलक पड़ जाते हैं, खाने की जो गुंजाइश है वो ख़त्म हो जाती है, पाँव के जो खुर है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो परमात्मा ना करे ऐसी बीमारियाँ पशुओं में ज़्यादा फैले, तो उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें और बने रहें संदल चल हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।